Yes, thanks. One question we will solve. Again, पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया और एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करेंगे स्टेटमेंट डायग्राम मेथड का. वही पेज नंबर 60 पर एक क्वेश्चन नंबर 3 आपकी बुक में ड्रॉ स्केटर डायग्राम फॉर द फॉलोइंग डेटा एंड स्टेट द टाइप ऑफ कोरिलेशन. तो ड्रॉ द स्केटर डायग्राम फ्रॉम गिवन डेटा एंड से द व्हाट टाइप ऑफ कोरिलेशन. तो इधर x = 20 दिया है, y = 106 दिया है, उस पर से हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट बच्चों फाइंड करना है. तो हम कैसे करते हैं देखते हैं, ठीक है. तो x एक्सिस पर देखो 20 25 35 के ग्रुप हैं, तो हम इधर स्केल मार्क लेते हैं. स्केल ऑन x एक्सिस 1 से 5 ऑन y एक्सिस 1300 1 यानी y एक्सिस पर 1 यूनिट सेल इज इक्वल टू 1 यूनिट सम स्केल मार्क लेते हैं. x ड्रॉ y ड्रॉ. x में हमने कोई गैप नहीं लिया, डायरेक्ट 5 10 15 20 25 अप टू 50 तक लिया है. और x में नहीं लिया, y में 100 से स्टार्ट होता है. तो बच्चों ये हमने गैप छोड़ा है, 0 से डायरेक्ट 100 लेते हैं. 100 1 2 3 4 5 6 7 तो ये गैप का क्लोज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है. नाउ बी पॉइंट नोटेबल ग्राफ पेपर when x is equal to 20 y 100 x 20 y 100 point is here, when x 25 y 101 point is there, when x 30 y 102 point is here, when x 35 y 103 point is here, when x 40 y 104, when x 45 then y 105, when x 50 then y 106. तो इसी तरह आपने पॉइंट प्लॉट किया है ग्राफ में. बच्चों तो आप ग्राफ में ड्रॉ करना, आपके पास परफेक्ट रिजल्ट ग्राफ में आएगा. मैं रैंडम ले लेता हूं तो ग्राफ में ऐसे आएगा. तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, ऑल पॉइंट्स आर इन वन स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर our discussion or result is that all points are in one straight line and goes to left to right in increasing order. Therefore, we say that there is perfect positive correlation between x and y. तो ये हम conclusion क्या लेंगे बच्चों? Conclusion is there is perfect positive correlation between x and y. First, क्या है उसका? So all points are in one straight line and goes to left to right in increasing order. Therefore, we say that there is perfect positive correlation between x and y. तो ये कंक्लूजन आपको नीचे लिखना है, बीच में मत लिखना. तो आई होप दैट स्टेटर डायग्राम मेथड आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी. ओके, अगर फिर भी डाउट हो तो फिर से वीडियो रिपीट करके देखो, और आप देख कर कोई भी डाउट हो तो भी पूछ सकते हो एनी टाइम. यू आस्क मी. ओके, थैंक यू. यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. अभी तक हमने अगले सब लेक्चर में कॉल किया सर पूरे लेसन पर पेशेंट और नई कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड किया. आज हम एक अलग मेथड यानी स्कैटर डायग्राम मेथड समझने के लिए जा रहे हैं. थियोरिकल हमने समझ लिया है, आज हम सब कैलकुलेट करके समझेंगे. आपको ग्राफ में ड्रॉ करना है, मैंने इधर रफ में लिया है रैंडमली. तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 इज ड्रॉ स्कैटर डायग्राम फॉर द फॉलोइंग डेटा and discuss the correlation between two variables. Our exercise में page number 60 पर three practical question, पहला question में ये हम solve करते हैं. Draw scatter diagram for the following data and discuss the correlation between two variables. यानी x और y के बीच का correlation हमें find करना है बच्चों.
ठीक है, तो x and y is given, तो x is equal to 80, 45, 55, 56, 58, 60, 65, 68, 70, 75, 85, and y is equal to 82, 56, 50, 48, 60, 62, 64, 65, 70, or 74, 90. So according to definition and explanation of scatter diagram, we take one variable x on x axis and second variable y on y axis, that is x, that is y, right? And point should be plotted on graph paper. So each के मुताबिक हम इधर plot करेंगे point. तो जब इससे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि इधर देखो x में highest limit है बच्चों 85 और lowest limit है 45. तो हमें 45 चाहिए 90 तक. तो हम क्या करते हैं, स्केल ऑन x एक्सिस वन सेम इज इक्वल टू हाई लिमिट लेते हैं, उसी तरह y में lowest 48 और highest 90 है. तो ऑन y एक्सिस वी टेक वन सेम इज इक्वल टू हाई लिमिट ऑल्सो, बराबर है बच्चों. तो दोनों में 5-5 यूनिट का हम स्केल लेते हैं. तो इधर हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो क्या आएगा 5, लेकिन हमें डायरेक्ट 45 का यूज करना है, अगले फिगर की जरूरत नहीं है. तो मैंने ये गैप दे दिया है, ये गैप क्या है सर, ये आगे सब आगे इधर y एक्सिस में भी मैंने इस तरह गैप दे दिया, डायरेक्ट 0 के बाद 45 से स्टार्ट किया है. तो ये डायरेक्ट जो फिगर चाहिए ऊपर जाने के लिए हम गैप देते हैं. अगर हम 1, 5, 10 इसी तरह 45 तक ले जाते हैं तो चलता है, लेकिन ग्राफ बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने ये गैप छोड़ा है. तो ये आप समझ लेना कि जब भी गैप छोड़ना हो तो इसी तरह गैप बढ़ता जाता है, ठीक है. तो अब when x is equal to 80, y is equal to 82, then x 80, y 82, point is here. When x is equal to 45, then y is equal to 56, point is here. When x is equal to 55, y is equal to 50. X 55 है, तो y क्या है 50. When x 56 है, तो y क्या है 48. When x 58 है, तो y क्या है 60, point is here. When x 60 है, तो y क्या है 62. When x 65 है, तब y क्या है 64. When x 70 है, तब y क्या है, sorry, when x 68, तब y 65. When x 70, then y 70. 70, to here 70. When x 75, then y 74. Point is here. When x 85, then y 90, point is here. तो देखो बच्चों, ये point left to right increasing order में जाता है. तो उसे क्या कहते हैं, left to right increasing order में जाए तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, partial positive या perfect positive. But both points are not in one straight line, therefore, but around one straight line. तो here all points are not in one straight line, but goes to left to right in increasing order. Therefore, we say that here partial positive correlation between two variables. तो हम discussion के नीचे आ गए हैं ना, क्या लिखेंगे बच्चों? Here all points are not in one straight line, but around one straight line, in left to right, in increasing order. Therefore, there are partial positive correlation between x and y. अगर straight line में जाते हैं तो क्या कहते हैं, perfect positive. But here not one straight line, but around one straight line. Therefore, we say that here points are left to right in around one straight line. Therefore, here there is perfect, not but partial positive correlation between x and y. I hope that you all are understand. अगर कुछ भी डाउट है तो फिर भी प्लीज से वीडियो रिपीट करके देखो, और फिर भी डाउट है तो एनी टाइम यू आस्क मी. ओके.